हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आई थिंक सभी सही होंगे। आप लोगों की कैसी स्टडी चल रही है? तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ग्रिग्नार्ड रीजेंट से हम लोग किस तरह से एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग अच्छे से देखेंगे, एक-एक रिएक्शन को समझेंगे। जो भी रिएक्शन समझ में ना आए तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल का फॉर्मेशन हम लोग किस तरह से करते हैं। लिखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझना होगा किस तरह से हम लोग इसकी मैकेनिज्म बनाते हैं, किस तरह से इसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने सीखा था कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जैसे हम लोग रिडक्शन करते हैं और उससे एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये भी लेक्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी उसको बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, देन सबसे बात पहले करते हैं, व्हाट इज दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है। बच्चों देखो, सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि आरएनजीएक्स को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको बोलते हैं, ये होता क्या बच्चों, ये होता है एल्केल मैग्नीशियम हैलाइड। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एल्केल मैग्नीशियम हैलाइड। इसको हम लोग बच्चों कहते हैं क्या, ग्रिग्नार्ड रीजन। अगर बात की जाए कि आर क्या होता है तो आप लोग कहते हैं सर एल्केल, जिसको हम लोग जनरल फार्मूला बोलते हैं CnH2n+1। ठीक है, एमजी क्या है, एमजी एक आपका एक्टिव मेटल्स होता है, और एक्स क्या है, एक्स आपके हैलोजन्स होते हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं किससे, FClBr I। ये सब हमारे क्या होते हैं, आपके हैलोजन्स होते हैं, और ये हमारा एल्किल होता है। बच्चों सिंपल सी बात हम लोग देखते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये कैसे फॉर्म किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, किस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है, और क्यों ये हमारा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है और इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले करते गया है इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मेशन होता है, आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि सर एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड ले सकते हैं, या बच्चों हम लोग यहाँ पे फेनिल हैलाइड ले सकते हैं, इस तरह से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन हम लोग एमजी मेटल से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर बेटा ये सॉल्वेंट होता है, इसलिए हम लोग ड्राई लेते हैं क्योंकि मैग्नीशियम हमारा एक्टिव मेटल्स होता है। ओके, तो ये इसके साथ कंबाइन करके यहाँ पे आपका एक नया कंपाउंड जनरेट करता है RMGX, जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर बात की जाए तो ये मैग्नीशियम है, यहाँ पे दो तरह की बॉन्डिंग शो करता है, इसके साथ बच्चों आयनिक बॉन्ड बनाता है और इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हैलोजन के साथ करता है और इसके साथ आपका क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ओके, और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के साथ ही इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, दोस कंपाउंड इफ एनी मेटल अटैच्ड विद कार्बन। ओके, यानी कि अगर कोई कार्बन से कोई मेटल अटैच्ड है उसको बच्चों हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो सिंपल सा आप देख रहे हैं कि सर जो ये आर है, आर क्या है, एल्किल है, यानी कि आर का मतलब कार्बन की रिंग, जैसे हम लोग कार्बन की रिंग या कोकिंग चेन को बोलते हैं, CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ये सब क्या हो सकते हैं, आपके कार्बन होते हैं बेटा। और इस कार्बन के साथ मैग्नीशियम क्या करता है, पार्शियली बॉन्डेड होता है, पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पार्शियली बॉन्ड इसके साथ बनाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सर इसके साथ बनाता है, और मैग्नीशियम इसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, आपका आयोनिक बॉन्ड बनाता है। ओके, तो इस तरह से हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम लोग किसके साथ यूज करते हैं और वहां से क्या जनरेट होता है, आपका
अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। दैट इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा कि ग्रिग्नार्ड एजेंट का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं। तो बेटा देखो होता क्या है, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं RMGX, इट इज अ ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसके पास क्या होता है, पार्शियली लूजली बॉन्डेड होता है। पार्शियली लूजली बॉन्डेड का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, पहली बार आप लोग देख रहे होंगे इस तरह का यूनिट। होता क्या है, ये रिएक्शन करता है हमारा किसके साथ, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। कार्बोनिल कंपाउंड बच्चों हम यहाँ से एक बहुत ही अच्छा सा मेथड पढ़ेंगे कि इस ग्रिग्नार्ड एजेंट से कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ रिएक्शन करता है और ये यहाँ पे क्या देगा, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इट इज अ यूनिक मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ओके, तो रेड एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड आपका यहाँ पे रिएक्शन अगर हम लोग लिख देते हैं किसके साथ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वो भी कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, यानी कि लिखना चाहूं तो आईसी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बच्चों होता है फॉर्मल्डिहाइड। इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है वाटर की प्रेजेंस में तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, सिंपल सा आर सी एच एंड एच और ओ एच, इसको बच्चों हम लोग कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब ये होता है कि जो OH होता है, यानी कि अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसका रिलेशन केवल और केवल एक कार्बन से होता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छे से बच्चों समझना, ग्रिग्नार्ड एजेंट की रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ होती है तो क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल, जिसको हम लोग 1° अल्कोहल बोलते हैं। सिमिलरली इस एल्डिहाइड को छोड़ करके कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, मान लो कि हमने एक इस तरह का कोई एक अदर एनी अदर एल्डिहाइड जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट ओनली फॉर्मल्डिहाइड, वी टेकन अ अनदर टाइप ऑफ एल्डिहाइड, नाउ रिएक्ट विद एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इट गिव्स आउट 2° अल्कोहल। बेटा यहां से आपका क्या मिलेगा, 2° का अल्कोहल मिलता है। कैसे देखिएगा, ये भी क्या करेगा, R इस तरह से आपका R बनाएगा और CH एंड OH। आप लोगों ने देखा गया कि सर जो OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप जिस कार्बन से बच्चों अटैच है उसका रिलेशन 1-1-2 दो कार्बन से है। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2° का अल्कोहल बनेगा जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, देन बच्चों क्या करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग किसके साथ करते हैं, कीटोन के साथ। कीटोन का जनरल फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, या आर हमारा क्या सेम ही हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, आर सी डबल बॉन्ड को कीटोन के साथ जब बच्चों ये रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनाता है आपका, सिंपल सा 3° अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरह से। आप लोग देख रहे हैं कि सर जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा है वो हमारा 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन का मतलब 3 एल्किल से जुड़ा है, तो यहाँ पे बेटा होता है आपका 3° अल्कोहल। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, मैं इसकी बिल्कुल अभी मैकेनिज्म आपको बना के दिखा रहा हूँ किस तरह से ये हमारा बनता है। ओके, तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा। चलते हैं, अब देखते हैं हम लोग एक एक करके इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं बच्चों, और इसके बाद आप लोग उसको अच्छे से समझिएगा। अगर किसी को कोई भी कहीं से भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था कि सर जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल बनाते हैं तो उसमें ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ हम लोग फॉर्मल्डिहाइड का यूज करते हैं। तो फॉर्मल्डिहाइड बेटा होता क्या है, आप लोग भी जानते हैं, एच है ना, सी इस तरह से बना लेंगे, सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड एच, ये हमारा होता है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड एजेंट RMGX से। ओके, होता क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, इस आर के पास क्या होता है, पार्शियली कोवेलेंट करेक्टर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है पार्शियली नेगेटिव और इसके पास होता है पार्शियली पॉजिटिव। अब होता क्या है कि इसके पास पार्शियली नेगेटिव बॉन्ड होता है और ये क्या करता है, इस यूनिट यानी कि जो ये कार्बोनिल बॉन्ड है यहाँ पे ये अटैक करता है और इसको क्या चाहिए, पॉजिटिव सेंटर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो कार्बन होता है, कार्बन और ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो क्या करता है कार्बन बेटा यहाँ पे होता है पार्शियली पॉजिटिव,
ये आप लोगों ने लास्ट लेक्चर वीडियो में देखा होगा कि वहां पे अच्छे से कार्बोनिल कंपाउंड में बताया गया था, चाहे एल्डिहाइड का केस हो, चाहे कीटोन का केस हो, चाहे कार्बोक्सिलिक का केस हो या डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो होता क्या है कि ये जाकर के इस पे अटैक करता है क्योंकि हमें इसको पॉजिटिव सेंटर दिख रहा है। जैसे ही बच्चों ये पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा तुरंत क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने बॉन्ड तोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर देगा। तो कुछ इस तरह की स्पीशीज आपके सामने आ जाएगी, एच सी सिंगल बॉन्ड को माइनस और इसके साथ कौन जुड़ गया है, आर जुड़ गया है। और ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर आपको समझ में ना आए तो जरूर पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिएगा कि क्या बनेगा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एन जी एक्स माइनस ये क्या हुआ, फ्री हो गया है। और इसको कहाँ नेगेटिव सेंटर दिख रहा है ये, तो जाकर के ये इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये ऑक्सीजन इसको इनवाइट करेगा और अपने साथ इसको अट्रैक्ट कर लेगा। आपके पास बेटा कुछ इस तरह का सीन क्रिएट हो जाएगा, एच सी बॉन्ड ओ नेगेटिव एम जी एक्स और बेटा यहाँ पे आपका एड है क्या एच और एक बॉन्ड हमारा आर से कंप्लीट है। ओके अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ नहीं करते हैं, इसको एज ए वाटर पानी में यूज कर देते हैं। पानी में क्या होता है, एच प्लस होता है, ओ एच माइनस होता है। ये कैसे आता है आप लोग भी जानते हैं कि सर वाटर का हम लोग क्या करते हैं, एसिडिफिकेशन करते हैं और यहाँ से हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे दिख क्या रहा है कि यहाँ पे प्लस होता है, ये एच यहाँ पे जाएगा इसके साथ और एम जी एच इसके साथ एड हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या कंपाउंड मिलेगा, इस तरह से सी आर एच एंड एच और ओ एच, देन बच्चों एम जी के साथ हमारा क्या क्या मिल गया, ओ एच एंड एक्स। इस तरह से आपने देखा कि जो आपका डिजायर्ड कंपाउंड था प्राइमरी एल्कोहल इस तरह से फॉर्म हुआ जाके। यहाँ पे जो OH आपका ऐड है जिस कार्बन पे, उसका रिलेशन केवल एक इससे ऐड है। तो इस तरह से बच्चों इसने क्या बना लिया, सिंपल सा प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन किया। प्राइमरी कह सकते हैं या इसको हम लोग वन डिग्री एल्कोहल भी कह सकते हैं, प्राइमरी और वन डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो बच्चों इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे दे रहा हूँ, जिसको आप लोग खुद करेंगे मैं और करके नेक्स्ट डे आपको कमेंट बॉक्स में उसी में लिख देंगे कि क्या सर क्या उसका जो भी आउटकम आएगा, जो भी कंपाउंड बनेगा वो किस तरह का होगा, वो किस तरह से उसकी मैकेनिज्म, जरूर बच्चों लिखना क्या होता है। चलो ये कंपाउंड दे रहे हैं एग्जांपल में, इस तरह से हम लोग ये फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ हम लोग यहाँ पे वाटर भी यूज कर लेते हैं, देन क्या क्या बनेगा बच्चों, इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके थैंक यू बच्चों, अगर चाहो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन चलिए ओके, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे इससे सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप लोगों ने प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन किया है, ऐसे ही हम लोग सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। लिखेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल आप लोग जानते तो बच्चों होंगे ये क्या होता है, 2 डिग्री एल्कोहल सर। और 2 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, यानी कि एल्कोहल OH जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो उस कार्बन पर अटैच होना चाहिए जिसका रिलेशन दो कार्बन से होता है। ठीक है, उसको हम लोग बच्चों सेकेंडरी एल्कोहल बोलते हैं। वो किस तरह से फॉर्म करेगा, इसमें मैंने कहा था एक्सेप्ट, अभी आप लोगों ने पीछे जो मैंने जब लेक्चर का इंट्रोडक्शन दिया था उसमें आपको मैंने एक टेबल टाइप की बनाई थी जिसमें आप लोगों ने तीन टाइप से देखे थे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। पहले में क्या था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा था, फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा था। एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड रिएक्ट विद एल्किल हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दे फॉर्म सेकेंडरी एल्कोहल। ओके तो देखिएगा कैसे, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा एल्कोहल ले लेते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये बच्चों क्या है एल्डिहाइड है। ओके दिस वन इज द एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, इस जगह कहाँ आर की जगह यहाँ पे क्या हो जाता है एच हो जाता है, वो हमारा एक स्पेशल एल्डिहाइड होता है। ठीक मैंने क्या किया, ये एक एल्डिहाइड लिया, कोई भी एल्डिहाइड लिया है, अभी हम उसका एग्जांपल आप लोगों को दिखा देंगे और रिएक्शन हम बच्चों करा दे रहे हैं आपकी आर एम जी एक्स से। वही कंडीशन इसमें भी है, यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव, क्या करेगा इसको नेगेटिव सेंटर की खोज, पॉजिटिव सेंटर की खोज है तो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड पे इसको दिखेगा। तो जब दिखेगा तो ये क्या करेगा, आकर के यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक करेगा ऑक्सीजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो अपने एक बॉन्ड को ब्रेक करके अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा और जैसे ही शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन एज्यूम्ड, ऑक्सीजन
हैव निगेटिवली चार्ज, यहां से ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा बेटा, और यहां से आर एक आपका ऐड हो जाएगा, साथ साथ में एच आपका है, और इस निगेटिव ये किसको अप्रोच करेगा, इस एमजीएक्स को अप्रोच किया। जैसे ही अपने साथ एमजीएक्स को अप्रोच करेगा आपके पास कुछ इस तरह की स्पीसीज बन जाएगी, ओ माइनस एमजी प्लस एक्स। ओके बेटा, देन यहां क्या होता है आर एंड एच। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें यूज कर देना है वॉटर, वो भी कैसा वॉटर, एसिडिक वॉटर, ठीक है, क्योंकि एसिडिक वाटर ही हमको क्या देता है, H प्लस देता है, यहां से H प्लस और OH माइनस क्या करेगा, ये H प्लस आप यहां से ये जो ऑक्सीजन है ये H प्लस को अपनी तरफ अप्रोच करके इसको इस OH माइनस MgX को अप्रोच करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। बच्चों आपका जो डिजायर्ड कंपाउंड था कि कुछ इस तरह से CHOH, ठीक है, ये हमारा बन गया है कि सेकेंड डिग्री एल्कोहल, या हम लोग इसको कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। साथ ही साथ में जो आपका एडिशनल कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा, MgOH एंड X। समझिए बच्चों क्या था कि सेकेंडरी एल्कोहल का जो फॉर्मेशन होता है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे कराते हैं, एल्डिहाइड से, और वो भी एल्डिहाइड कौन होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, एनी अदर कोई भी एल्डिहाइड चलेगा, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, मोस्ट ऑफ ऑल एल्डिहाइड रिएक्ट विद एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड आफ्टर ए रिएक्शन दे कैन फॉर्म सेकेंड डिग्री एल्कोहल। ओके चलिए बच्चों इसका एग्जांपल आप लोग खुद अपनी कॉपी पे लिखेंगे सभी लोग, हम लोग एक कोई एग्जांपल ले लेने हैं, यहाँ पे मान लो एक एल्डिहाइड का टाइप ले लिया CH3CHO और रिएक्शन करा दी मैंने इस बार C6H5MgBr से, अब की बार मैंने क्या ले लिया, यहाँ एल्किल की जगह मैंने एरिल ले लिया है, और इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, वाटर की प्रेजेंस में हम लोग कराएंगे तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या कंपाउंड बनेगा और प्लस उसका जो एडिशनल कंपाउंड होगा वो क्या होगा। इसको बच्चों आप अपनी कॉपी में एग्जांपल के तौर पे लिख लीजिएगा, और इसके बाद जिसको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकता है। ओके स्टूडेंट्स चलिए चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। देन हम लोग बात करेंगे टर्शियरी अल्कोहल की, जिसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, वो कैसे फॉर्म होगा उसकी भी मैकेनिज्म अभी मैं आप लोगों को इस बोर्ड पे क्लियर कर देता हूँ। ओके ओके चलिए तो आप बच्चों हम लोग बात करेंगे 3 डिग्री एल्कोहल्स की। 3 डिग्री एल्कोहल्स क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, यानी कि जो OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच होगा उसका रिलेशन एटलीस्ट क्या मैक्सिमम ही होगा जाके 3 कार्बन पे उसका रिलेशन होगा, जिससे हमारा क्या होगा 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों हम लोग 3 डिग्री एल्कोहल को टर्शियरी भी बोलते हैं, टर्शियरी एल्कोहल अल्कोहल। इसका फॉर्मेशन बच्चों कैसे होता है आप लोग यहाँ से देखेंगे कि सिंपल सा हम लोग ऐड करते हैं, इस कोई हम कीटोन ले लेते हैं, चलो मान लो कि R एंड R, ये बच्चों होता है आपका जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं और इसकी रिएक्शन करते हैं किससे, आपके सामने R MgX, वही रिएक्शन है, चाहो तो आप लोग अब तक अपने कॉपी पे लिख चुके होंगे क्योंकि सेम से वही रिएक्शन होती चली जा रही है, यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव, दे कैन अटैक विद ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन आल्सो डबली बॉन्डेड ब्रेक एंड शिफ्ट ऑन इलेक्ट्रॉन ऑन साइड, देन इट शोस R एंड R C सिंगल बॉन्ड इस तरह से नेगेटिव, और ये यहाँ पे अप्रोच किया तो यहाँ पे एक और R ऐड हो गया, इस मैग्नीशियम हैलाइड को अप्रोच कर रहा है ऑक्सीजन। बच्चों कुछ इस तरह की आपके पास स्पीसीज नजर आ रही है, यू इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं OP माइनस Mg प्लस X। ओके अब क्या करते हैं इसको हम लोग बच्चों वाटर यूज कर लेते हैं, वही पुरानी वाली कहानी, क्या होगा यहाँ पे H प्लस OH माइनस क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इस H को अप्रोच करेगा और वहां पे MgX OH के साथ चला जाएगा, तो इस तरह से आपका R R R और ये एक आपका इस टाइप की स्पीसीज बनके तैयार हो गई है, जिसको हम लोग कहते हैं 3 डिग्री एल्कोहल। ओके बच्चों
देखा कि जो OH ग्रुप है जिस कार्बन के साथ अटैच है उसका रिलेशन एक दो तीन 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 एल्किल्स के साथ है, यानी कि तीन तीन कार्बन के साथ है, जिसकी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। ओके बच्चों, इसका एक एग्जांपल भी आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, मैं एग्जांपल यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल दे दिया, मान लो मैंने एक यहाँ पे प्रोपेनॉन या एसीटोन ले लिया इस तरह से, और एसीटोन की रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं CH3MgBr से, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वाटर। बच्चों क्या बनेगा इसको आप लोग अपनी कॉपी में एग्जांपल लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स के जो भी मेथड हमारे एनसीईआरटी में गिवन है, आई थिंक ऑलमोस्ट प्रिपरेशन मेथड्स विल बी एंडेड, और सारे के सारे मैंने आप लोगों को अच्छे से बता दिए हैं, करवा दिए हैं। अगर कोई भी मेथड आपको नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ओके देन बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम लोग फिनॉल पढ़ेंगे, प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। आप लोग बच्चों एक काम जरूर ध्यान से करना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।